फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति एजुकेशनल सेंटर। लास्ट वीडियोस में हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। दोनों ही एक्शन शो करते हैं पास्ट में फिनिश हो गया। फिर देखते हैं आज में क्या डिफरेंस रहता है। जैसे कि आई एट द लंच, आई हैव ईटन द लंच, एक मैंने खाना खाया और मैंने खाना खा लिया है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ही बता रहे हैं कि वर्क हो चुका है या वर्क हो गया था। तो आइए आज बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के डिफरेंसेस के बारे में, मोस्ट कंफ्यूजिंग टेंसेस। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट और यहाँ पर मैंने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट। एक्शन इन पास्ट, एक्शन इन पास्ट, इफेक्ट इन इफेक्ट ऑन पास्ट। ऑब्वियसली पास्ट में एक्शन है और इफेक्ट भी किसमें है? पास्ट में। तो फिर इससे रिलेट करते हुए अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट में भी एक्शन पास्ट में है, यहां तक हमारा मैच है, सेम। और इफेक्ट कहां है? लेकिन प्रेजेंट में। तो ये चीज क्या हो गई इसमें? डिफरेंस। मींस मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन में, इट कनेक्ट्स पास्ट एंड प्रेजेंट। तो इसमें इफेक्ट भी पास्ट में और एक्शन भी पास्ट में, मतलब वो काम हमारा हो गया, कोई भी इफेक्ट नहीं बचा है। लेकिन इसमें पास्ट में काम हो चुका है, जस्ट हुआ है, लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है। मतलब मैं अभी भी उस वर्क के बारे में बात कर रही हूँ, अभी भी मैं जो काम पास्ट में हुआ है उससे रिलेटेड ही कुछ कर रही हूँ या कह रही हूँ, और इस काम के बाद ही ऐसा इफेक्ट है कि मैं कुछ प्रेजेंट में और काम करूंगी। तो इफेक्ट पास्ट पास्ट पर कनेक्ट्स पास्ट एंड प्रेजेंट, ये डिफरेंस हो गया। मैं इसे एग्जांपल से भी समझाऊंगी, देखते हैं कैसे। आई लॉस्ट माय बुक, मेरी बुक जो है वो खो गई। मैं किसी को बता रही हूं लेकिन वो मिल भी गई, मतलब इफेक्ट भी पास्ट में हो गया, एक्शन तो पास्ट में था ही, मेरी बुक खो गई अब मिल गई, अब उसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी, मतलब कुछ मतलब ही नहीं है बात करने का। मैंने जस्ट किसी को बताया मेरी बुक खो गई और अब मिल गई। लेकिन आई हैव लॉस्ट माय बुक, मेरी बुक खो गई है, इसका मतलब उसका पास्ट प्रेजेंट में इफेक्ट है। मेरी बुक खो गई है, अभी तक वो मिली नहीं है। आई एम स्टिल सर्चिंग माय बुक, और मैं वैसे ही बुक की मुझे जरूरत है, मैं अभी तक सर्च कर रहा हूँ और वो अभी भी खोई हुई है। इसमें खोकर मिल गई, पूरा फिनिश हो गया, जो भी मेरा इफेक्ट था वो भी फिनिश हो गया और जो एक्शन हुआ था वो भी हमारा फिनिश हो गया। लेकिन इसमें उसका इफेक्ट मुझ पर अभी तक है, मैं अभी तक उस बुक को ढूंढ रही हूँ, वो मेरे पास अभी तक नहीं है। तो आप लोगों ने समझा कितना मेन डिफरेंस इसमें होता है। तो कहाँ हमें ग्रामेटिकली दोनों ही सेंटेंस सही है, बट हमें किसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा? साइंस के अकॉर्डिंग, कहां पर आपको ये यूज करना है, कहां पर कहना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करके। तो ये आपको बहुत ही कंफ्यूजन होता है इसको टेंस में, इसलिए मैं इस पर अलग से ही एक वीडियो बता रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया आई एट लंच, आई हैव ईटन माय लंच, मैंने खाना खाया। सपोज अभी डिनर कर रही हूँ मैं, मैंने मॉर्निंग में खाना खाया था, एट लंच, वो आफ्टरनून में मैंने अपना लंच ले लिया था, जैसे आई एट लंच। तो या फिर मैं उसकी दूसरे दिन बात कर रही हूँ कि आई एट लंच यस्टरडे, मैंने कल खाना खाया, खा लिया था, इस टाइप से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है आई एट लंच? मैं अभी भी खाना खा सकती हूँ और मैं जस्ट बता रही हूँ कि मैंने खाना कब खाया था। बट आई हैव ईटन माई लंच, ये सेंटेंस मुझे कब बोलना है, किससे बोलना है? सपोज करिए मुझे कोई लंच ऑफर कर रहा है और मैं जस्ट 5 मिनट्स पहले ही खा कर चुकी हूँ, तो मैं उससे क्या कहूंगी? नो नो, अब मैं और नहीं खा सकती क्योंकि मैंने अभी खाना खा लिया है, आई हैव जस्ट ईटन माई लंच, या फिर आई हैव ईटन माई लंच, नो थैंक्स। लेकिन उसका इफेक्ट क्या है? मेरा स्टोमक अब फुल है, मैं नहीं खा सकती। और इसमें क्या है, मैंने कब खाना खाया, मतलब काफी टाइम हो गया और मैं अब भी खा सकती हूँ। तो देखिए कितना डिफरेंस है, किस तरह से कोई पूछे तो आपको कैसे जवाब देना है। इसमें फोकस ऑन टाइम व्हेन एक्शन हैपेंड, पास्ट इंडेफिनिट में टाइम पर फोकस होता है जब एक्शन होता है,
जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन पर ही फोकस होता है, यानी जो एक्शन हो रहा है उस पर ही फोकस होता है, टाइम पर नहीं। इसमें टाइम पर फोकस होता है। देखते हैं, आई बॉट अ हाउस इन 2000। 2000 में मैंने एक हाउस खरीदा है, या 2000 में मैंने एक हाउस खरीदा, तो मैं किसी को बता रही हूँ, काफी पुरानी बात हो गई। इसमें हम ऐसे यूज करते हैं, आई बॉट अ हाउस लास्ट ईयर, तो जस्ट आई बॉट हाउस और काफी पुरानी बात हो गई। लेकिन आई हैव बॉट अ हाउस रिसेंटली, मतलब इसमें सेंस दे रहा है, हे मैं किसी को गुड न्यूज दे रही हूँ, आई वॉन्ट टू गिव यू अ वर्ल्ड गुड न्यूज, व्हाट आई हैव बॉट अ हाउस, ओ कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव यू बॉट अ हाउस, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, इस टाइप से इसमें आता है, आई हैव बॉट अ हाउस। इसमें अगर आपने लगा दिया आई हैव बॉट अ हाउस इन 2000, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जहां भी हमारे सन, लास्ट ईयर, जनवरी, कुछ भी ऐसा लगता है, यानी कि टाइम मार्कर टाइप लगते हैं, जैसे यस्टरडे, तो वहां पर हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज इसमें गलत माना जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कोई भी टाइम मार्कर यूज नहीं होता, जैसे कि लास्ट डे, यस्टरडे, लास्ट वीक, 2000, कोई भी सन हो, कोई भी ईयर हो, हमेशा ध्यान रखिएगा उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट होगा। नेक्स्ट आता है फिनिश टाइम और अनफिनिश टाइम। फिनिश टाइम जैसे He did not call me yesterday. उसने मुझे कल कॉल नहीं किया। Yesterday means focus करिए इसके टाइम पर। Finish time मतलब वो निकल चुका है। मैं आज तो yesterday नहीं बोल सकती ना, कि मैं अभी तक उसका वेट कर रही हूँ। उसे कल कॉल करना था, निकल गया। उसने मुझे कल कॉल नहीं किया। कल उसे कॉल करना था, जो कि उसने अपना काम नहीं किया मुझे कॉल, कोई भी कॉल मेरे पास नहीं आया। होता है He has not called me yet. उसने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया है। मीन्स मैं उसका अभी भी वेट कर रही हूँ। मेरा टाइम वो निकला नहीं है। वो अभी भी कॉल करे तो काम चलेगा। तो यहाँ पर किसने शो करते हैं? Yet, still, already, still, इस टाइप से ये वर्ड जो होते हैं, ये जो वर्ड होते हैं, शो करते हैं अनफिनिश टाइम को। और ये वाले जो वर्ड होते हैं, yesterday मैंने भी बताया, last day, last week, ये शो करते हैं अनफिनिश्ड टाइम को। He did not call me yesterday, कल कॉल नहीं किया, यानी yesterday मैं फिनिश टाइम की बात कर रही हूँ। टाइम निकल गया, वो कभी नहीं आएगा, हो गया yesterday, फिनिश। लेकिन मैं अभी तक उसका वेट कर रही हूँ। Yet, still, the bus has not arrived yet, या फिर the flight still has not arrived, the train still has not arrived at station. Still yet, इस टाइप से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसी का ही मैं फिनिश्ड और अनफिनिश्ड में एक और डिफरेंस। शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वीक, जैसा कि मैंने बताया इसमें इस टाइप से टाइम मार्कर यूज होते हैं, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ। और यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था टाइम पर कैसे फोकस होता है, एग्जैक्ट टाइम पर भी यहाँ पर फोकस करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पर इधर फोकस नहीं करते प्रेजेंट परफेक्ट में। शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वीक, उसने लास्ट वीक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, निकल चुका टाइम उसका, लास्ट वीक उसने कंप्लीट कर लिया, ये टाइम हमारा नहीं आएगा, या फिर हम उसका वेट नहीं कर रहे टाइम का। शी हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, इसका मतलब हो जाएगा ये ऑलरेडी जो यहाँ पर लगा है, उसने ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट वर्क कर लिया है, मतलब काम तो इसमें भी हो गया है, उसने अपना प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, लेकिन जस्ट अभी। इसका जो इफेक्ट है वो किसमें है? प्रेजेंट में। मैं किसी को बता रही हूँ मुझे इस प्रोजेक्ट से काम है। शी हैज ऑलरेडी, तो जो ऑलरेडी है वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ यूज नहीं होगा। किसके साथ यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम वेल क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करते, बल्कि उसकी जगह जो सेंटेंस है हम हाउ लॉन्ग इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, पास्ट इंडेफिनिट की पहले बात करते हैं। When did you meet Ravi? तुम रवि से कब मिली? तो when के साथ हम यूज करते हैं हमेशा past indefinite. अब हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते Where have you met Ravi? Wrong. हम ये पूछ सकते हैं How long have you known Ravi? तुम रवि को कब से जानती हो? How long? ये वाला क्वेश्चन वर्ड हमेशा present perfect में आता है और when आता है हमेशा past indefinite में। अब हमें कोई इंटरोगेटिव में बात करनी है, सिंगल इंटरोगेटिव को क्या यूज करते हैं? डिड।
Did you go to Delhi last week? क्या तुम last week Delhi गए? Yes or no? ठीक है, उसको जो भी आंसर करना होगा, लेकिन इसके साथ अगर मुझे यहां पर यूज होता है वीन का, वीन का यूज जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता है, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो देखिए क्या सेंस देता है, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, तो मैं पास्ट से कनेक्ट करते हुए कहां जा रही हूं, प्रेजेंट की तरफ। क्या तुम कभी भी अभी तक की जो मैं बात कर रही हूं, आज जस्ट अभी बात कर रही हूं, अभी तक दिल्ली जा चुके हो, या क्या तुम अपनी लाइफ में कभी गए हो? एवर का मतलब यहाँ पर यही लग जाता है, हैव यू एवर बीन टू, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? इसमें क्या है, तुम स्ट्रीट दिल्ली गए, मुझे नहीं पता वो कितनी बार और जाए, तुम दिल्ली हो आए किसी काम से, ठीक है, लेकिन इसमें हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, तो मुझे सामने वाला क्या आंसर करेगा, यस थ्री टाइम्स, टू टाइम्स, या यस ओनली वन टाइम, और आगे भी जाने की पॉसिबिलिटी है, क्या तुम अभी तक कभी दिल्ली गए हो? ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस देखिए यार, एवर वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, जो कि पूरा बताता है कि अब से पास्ट से लेके प्रेजेंट तक अभी तक ये वर्क हुआ है या नहीं, और इसमें जस्ट कोई वर्क पास्ट में हुआ और उसका इफेक्ट भी पास्ट में खत्म हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं है। डिड यू गो टू दिल्ली लास्ट वीक, तुम दिल्ली गए थे, ठीक है, लेकिन इसमें मैं क्या पूछ रही हूँ, प्रेजेंट कनेक्ट कर रही हूँ पास्ट और प्रेजेंट को, क्या तुम अभी तक दिल्ली गए हो, इस टाइप से आपके डिफरेंस है। व्हेन डिड यू गेट मैरिड, तुम्हारी शादी कब हुई, तो मुझे वो डेट बता देगा, इन 2000, इन 2010, इन 2016, इस टाइप से। इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा, व्हेन की जगह हाउ लॉन्ग लगाया, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, तुम कब से, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, कब से शादीशुदा हो, कितने सालों से, जैसे 5 years से, 10 years से, इसमें वो क्या बताएगा, सन डेट, लेकिन इसमें वो क्या बताएगा कि अब तक उसकी शादी को कितना टाइम हो गया, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, इस टाइप से। नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर की और बात कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और फर्स्ट फॉर्म लगती है, और स्ट्रक्चर इसका सबसे सिंपल है प्रेजेंट परफेक्ट का, इसमें सब में हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई भी। आई होप अब आपको पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, और फ्यूचर में आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इफ यू लाइक माई वीडियो press the like button and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button so that you can never miss any video. We'll meet you in next session with a new tense. Till then, bye bye.